दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन का पिछले 2.5 महीने से तनाव चल रहा है। आलम यह है कि दोनों देशों की सेनाओं ने सरहद पर हथियार तैनात कर रखे हैं। चीन कई इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भी भारत को आग दिखा रहा है, वो भी चीन की शह पर। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां वो एक तरफ लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने स्कर्टू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात किया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने LOC के पास मौजूद अपने 4 एयरबेसों पर भी हाई अलर्ट जारी किया है। भारत का चीन के साथ पहले से ही तनाव चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इन हरकतों से भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत से लगती सीमा के करीब गिलगित में वायुसेना का अभ्यास भी किया है। हालांकि भारत दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है। स्कर्टू एयरबेस पर पाक ने तैनात किए JF-17। चीन के साथ LAC पर चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है। नई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने POK में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी। यही नहीं, हाल ही में पाक वायुसेना के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने POK में मौजूद एक एयरबेस का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने बेस की तैयारियों का जायजा भी लिया। पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान इस एयरबेस का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहां पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में फाइटर जेट और एयरफोर्स कर्मचारियों को तैनात किया है। पाकिस्तान इस इलाके में लगातार अभ्यास कर रहा है। लद्दाख के नज़दीक इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीनी एयरफोर्स भी करती है। स्कर्टू में पाकिस्तान का सिविल एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद है। इस एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड फ्यूल स्टेशन और हथियार डिपो का भी निर्माण किया गया है। यहाँ से श्रीनगर और लेह की दूरी महज 200 किलोमीटर है। पाक वायुसेना ने लद्दाख सीमा के पास किया अभ्यास। पाक और चीन की सदाबहार दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान इन दिनों चीन के इशारे पर कुछ ज्यादा ही उकसावे वाली कार्रवाइयों में जुटा हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी विवाद के बीच पाकिस्तान ने भी गिलगित में वायुसेना का अभ्यास कर आंखें दिखाने की कोशिश की। बताया जाता है कि जिस पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत और चीन का विवाद चल रहा है, गिलगित का इलाका उससे ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपना अभ्यास जम्मू कश्मीर के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में किया है। ये वो इलाका है जिस पर आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। दरअसल चीन के इशारे पर पाकिस्तान इस इलाके में फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है। हालांकि चीनी वायुसेना भी इन एयरबेस का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अभी भारत का जो तनाव चीन के साथ चल रहा है, और अगर बात युद्ध तक पहुंचती है तो चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे निश्चित ही भारत की चिंता बढ़ सकती है। हालांकि भारत हर तरह से सक्षम है और पाक की हर चाल पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नज़र बनी हुई है। भारत के सामने चीन का खतरा तो है ही, साथ ही उसे पाकिस्तान से भी निपटना होगा, और शायद इसी वजह से भारत लगातार खतरनाक हथियार खरीद रहा है, ताकि अगर दो मोर्चों पर भिड़ना पड़े तो आधुनिक हथियारों से चीन और पाकिस्तान दोनों का काम तमाम किया जा सके। भारत बढ़ा रहा है अपने हथियारों का जखीरा। भारत को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लिया है। हालांकि ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए चीन की जी हुजूरी करना क्यों जरूरी है। चीन से बढ़े तनाव को देखते हुए दुनिया के कई देश भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान आने ही वाले हैं, तो दूसरी ओर इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दे रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका से भारत को जल्द ही
तोप में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद भी दिए जाएंगे, जबकि रूस ने भी भारत को आधुनिक हथियार और गोला बारूद देने का वायदा किया है। इन सब के अलावा भारत पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने के लिए आधुनिक ड्रोन खरीद रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका से 6 और P-8I एयरक्राफ्ट खरीदेगा। P-8I एयरक्राफ्ट की नई खेप से भारतीय नौसेना की ताकत में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारत को अमेरिका से 6 प्रीडेटर B ड्रोन मिलेंगे। घातक हथियारों से लैस ये प्रीडेटर ड्रोन दुश्मन के ठिकानों का पता लगाकर उन्हें तबाह करने में सक्षम है। ईरानी कमांडर सुलेमानी को अमेरिका ने इसी ड्रोन से मौत दी थी। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए ये ड्रोन काफी कारगर साबित होगा। इसके साथ ही ये हमला करने में भी सक्षम है। इसके एक वार से पाकिस्तान जैसे देशों के एयरबेस बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा राफेल भी चीन और पाकिस्तान के लिए काल साबित होगा। वैसे तो राफेल के आगे ना तो पाकिस्तान का JF-17 टिकने वाला है और ना ही चीन का J-20। अगले 2 दिनों में राफेल विमान भारत की जमीन पर उतर जाएंगे। राफेल को पहले ही खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसमें हैमर मिसाइल के जुड़ने के बाद तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। राफेल में पहले से ही मिटियोर और स्कैल्प मिसाइलें लगी हुई हैं। हालांकि चीन से तनातनी के दौरान भारत ने अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा किया है। इसमें कुछ तो ऐसे घातक हथियार हैं जिनके आगे चीन और पाकिस्तान जैसे देश घुटने टेक देंगे।